ये देख सकते हैं इसका कम से कम भी ये 50 फुट गहरा गड्ढा है ये पूरा। इसमें ये देख सकते हैं कैसे इसकी कटिंग करते हैं, ये पूरा कटिंग किया हुआ है ब्लेड से पूरा इसको, और इसको बिट से होल मार के भी गिराया जाता है पूरे पत्थर को। जैसे ये सामने देख रहे हैं ये पत्थर पूरा गिराया हुआ है बिट से होल मार मार के पूरा। देख सकते हैं इसका सभी ब्लॉक जो देख रहे हैं बड़े बड़े ब्लॉक हैं यहाँ पे, कम से कम भी 40-40। वो सामने देख सकते हैं एक बहुत बड़ा ब्लॉक है, कम से कम भी वो 40 फुट लंबा है, और लंबाई में चौड़ाई में वो 10 से 20 फुट लंबा है चौड़ाई में। और भी बहुत से बड़े बड़े ब्लॉक हैं यहाँ पे देख सकते हैं, बहुत ही काफ़ी ब्लॉक पड़े हुए हैं निकाल के रखे हुए यहाँ पे। और इसको दो तरीके से, इसको बिट से भी निकाला जाता है और ब्लेड से भी कटिंग करके निकाला जाता है। सामने देख सकते हैं यहाँ पे ये पूरा कटिंग किया हुआ है, पूरा पहाड़ी है ये, पहाड़ को कैसे कटिंग करते हैं ये थोड़ा सा बताया मैंने आपको आइडिया इसमें। ये ब्लेड से ही कटिंग किया हुआ है पूरा, ये कम से कम भी अंदर इसका गहराई का बात करेंगे तो गहराई में ये कम से कम भी 30 से 40 फुट गहरा है। ये सामने देख सकते हैं ये गहराई इसकी 30 से 40 फुट गहरा है ये, और पूरा नीचे तक कटिंग किया हुआ है इसको, पूरा देख सकते हैं नीचे तक ये पूरा कटिंग किया हुआ है इसको। वो बीच में गैप देख रहे हैं, वो पूरा कटिंग किया हुआ है ये देख सकते हैं, ये पूरा कटिंग यहाँ पे भी देख सकते हैं इसको। डर लग रहा है भाई यहाँ पे, बहुत ही गहरा गड्ढा है, 50 फुट से भी गहरा है ये, 50 फुट है। और उसके सामने और देख सकते हैं 40 फुट का गहरा, कम से कम भी 300-400 फुट गहरा खदान है ये पूरा। आगे इसमें जेसीपी चालू है, जो जेसीपी से कैसे इसकी कटिंग करते हैं और कैसे इसका बिट से होल मारते हैं, और इतनी इतनी बड़ी बड़ी इसकी कैसे इसमें ब्लॉक को ब्लास्ट करके निकालते हैं क्रेक करके, वो भी आगे के वीडियो में बताते हैं हम। चारों तरफ देख सकते हैं बहुत ही बड़ी खदान है ये, पूरा एक ग्रेनाइट है करीमनगर का, जो आंध्र प्रदेश में करीमनगर गिरता है उसके बाजू में एक गांव है, वहां का है ये, भाऊपेट गांव का नाम है। दूर से भी देखे तो ऐसे डर लगता है यहाँ पे कि इतनी बड़ी गहरी खाई है ये।